Assalamu alaikum, this is Qasim Suleiman and aap dekh rahe hain Self Defense Awareness Program. Is program mein hum aapko bahut si cheezon ke bare mein aware karte hain ki aap kin cheezon ka khayal rakhein to bahut se khatrat se bach sakte hain. Aur aaj ka program specially bachchon ke bare mein hai and parents ko aware karna chahte hain karate mein enroll karne se pehle parents ko jin baaton ka khayal rakhna chahiye wo bahut important hai. Karate seekhne se bhi zyada important hai कि आप अपने बच्चों को इनरोल्ड कहाँ करा रहे हैं. तो सबसे पहले पेरेंट्स ने जिस बात का ख्याल रखना है कि उन्होंने अपने बच्चों को उस कराटे सेंटर में इनरोल कराना है जो एक सिस्टम का हिस्सा है, जो एक सिस्टम के साथ चल रहा है. मेरी सिस्टम से जो एग्जांपल है वो आप रियल एजुकेशन सिस्टम्स को देख सकते हैं. बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, एजुकेटर स्कूल सिस्टम, पार्क तुर्क स्कूल सिस्टम, एम्स सिस्टम, फ्रोबर्स, इसके अलावा एस एल एस, बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो इस वक्त एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं. तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे एनरोल करते हैं. तो सेम ऐसे कराटे का भी सिस्टम है. बहुत सी ऐसी वेल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक सिस्टम को लेकर चल रही है और उसके अंदर भी मतलब इट डजंट मीन कि एक क्लब एक सिस्टम से रजिस्टर्ड है तो वो जो इंस्ट्रक्टर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी रियल ब्लैक बेल्ट और जस्ट ऑर्डिनरी ब्लैक बेल्ट. बिकॉज वेयरिंग अ ब्लैक बेल्ट डजंट मीन दैट ही इज ब्लैक बेल्ट. एक्ट एंड प्रैक्टिस इज द मीन एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ ट्रेनिंग इज द मीन ही इज ब्लैक बेल्ट और नॉट ब्लैक बेल्ट. बिकॉज ब्लैक बेल्ट पूरी एक लाइफ का नाम है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल का नाम नहीं है. ये मोर देन 25 to 30 ईयर्स का नाम है और वहां से भी इसको समझे कि स्टार्ट है, एंड नहीं है. तो पेरेंट्स, क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत हर जगह है, आपके मोबाइल पे, आपके फिंगर टिप्स पे है, यू शुड रिसर्च अबाउट द सेंटर कि वो सेंटर कैसा है, इंस्ट्रक्टर क्या है, वेल एजुकेटेड है या नहीं है कराटे के अंदर भी और एजुकेशन के भी अंदर भी. बिकॉज जो इंस्ट्रक्टर आपके बच्चे को टीच करता है उसका मतलब फाइट सिखाना सिर्फ नहीं है, उसका मतलब बच्चे को एक वे ऑफ लाइफ के बारे में बताना है, एक डिसिप्लिन के बारे में बताना है, रिस्पेक्ट के बारे में बताना है, फोकस के बारे में बताना है. तो एक वेल एजुकेटेड इंस्ट्रक्टर ही ये कुछ कर सकता है और उसकी वजह से उसके जो दोजो दोजो मीन द एरिया, ट्रेनिंग एरिया, उसका एटमॉस्फेयर का पता चल जाता है. तो पेरेंट्स इन बातों का जरूर ख्याल रखें, लाइक सिस्टम में है या नहीं है, वो बंदा खुद एजुकेटेड है या नहीं है. एजुकेशन से मतलब मेरा उन लोगों को डिग्रेड करना या डीमोटिवेट करना नहीं है जो हाईली एजुकेटेड नहीं है. ब्लैक बेल्ट है लेकिन एजुकेशन नहीं कर सके, बहुत सी वजूहत होती है. और दूसरी बात, जब वो पेरेंट्स देख लें कि उसकी अपनी एजुकेशन क्या है पढ़ाई में, तो सेकेंड एजुकेशन की ब्लैक बेल्ट के बारे में उनको बताना चाहिए कि ये ब्लैक बेल्ट कहाँ से ली है, एक सिस्टम से ली है या वैसे किसी क्लब से ली है. क्योंकि मैंने पहले बात की कि वेयरिंग अ ब्लैक बेल्ट डजंट मीन इट्स अ ब्लैक बेल्ट. और मुकम्मल एटमॉस्फेयर के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए, उस एरिया से पता होना चाहिए यार ये जो क्लब है कैसा नहीं है, इंस्ट्रक्टर कैसा है. और पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चों को दरवाजे में छोड़ा अल्लाह हाफिज, नो. बच्चों को वॉच करें, समटाइम दो जो में आके देखें कि वो ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, बाकी माहौल क्या है, ठीक है. डिसिप्लिन के लिए बच्चों को भेजें कि वहां डिसिप्लिन है या नहीं है. और उसके बाद सिस्टम रजिस्टर्ड है या नहीं है इंटरनेशनली, कि उसकी जो डिग्री बच्चे को मिलेगी वो एक सिस्टम के थ्रू है या जस्ट एक प्रिंट आउट है, कलर प्रिंट आउट है, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बारे में भी मालूम होनी चाहिए. बिकॉज एक बच्चा अपना टाइम, पेरेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे पे, मनी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये उनका राइट है कि वो एक प्रॉपर वे में चल रहा है या नेगेटिव. बिकॉज मुझे बहुत सी कॉल्स आती है, दिन में मैं तकरीबन 100 के करीब कॉल सुनता हूँ बच्चों के हवाले से, कराटे के हवाले से, गर्ल्स के हवाले से. बिलीव मी, उसमें से सिर्फ दो या एक पेरेंट होता है जो ये क्वेश्चन करता है कि आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड है इंस्ट्रक्टर, आपका सिस्टम इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है, बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैल्यू क्या है, हमारे बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सेमिनार्स में अटेंड
करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है लाइक ना कि कराटे आपने वैसे एजुकेशन में क्या किया हुआ आपका बैकग्राउंड क्या है अगर मेरी ये विश है कि हर पेरेंट को ये चाहिए मुकम्मल रिसर्च होना चाहिए देन गेट एनरोल्ड देयर किड्स इन द प्रॉपर सिस्टम इन द कराटे और पेरेंट्स कराटे सीखने का आपके बच्चों को जो दूसरा फायदा है जो कुछ तो मैंने पीछे अभी बता दिया और सेकंड फायदा है कि उनके अंदर एक डर खत्म होगा स्कूल में बहुत से बुलीज होते हैं मोहल्ले में होते हैं जिससे बच्चे डरते रहते हैं वो एक उनके अंदर डर पैदा हो जाता है वो ही डर उनकी शख्सियत को खाता जाता है लेकिन जब एक प्रॉपर ट्रेनिंग में आएंगे तो क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा है ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर की होल्स मीन बेसिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज से लेके अटैक्स ब्लॉक्स तक की होल्स होते हैं मूवमेंट्स होती हैं बैलेंस के लिए फिर काता मीन इज अटैक एंड ब्लॉक नेम इज काता यानी जो परफॉर्म करता है बंदा काता परफॉर्म करता है ब्लॉक्स करता है अटैक करता है इमेजिन करता है उसका माइंड खुलता है और तीसरी चीज होती है कुमिते मीन फाइट स्पायरिंग कि अपने लेवल पे जितना उसने सीखा हुआ है वो फाइट करता है ट्रेनिंग करता है तो मकसद हमने उनको लड़ाई झगड़े वाला बंदा फाइटर बनाना नहीं है मकसद उनके अंदर से डर को खत्म करना है कि जब वो खेलेगा आपस में स्लोली सेफली ट्रेनिंग करेंगे तो उनके अंदर एक ब्रेव मैन जो हर बंदे के अंदर होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा फिर वो जब कंपटीशन में जाएगा खेलेगा तो वही उसकी शख्सियत को बढ़ाएगा बिकॉज आजकल के दौर में जो आने वाला दौर है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चों का अच्छा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए वो सेल्फ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ जो और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ कराटे से आएगी ठीक है मैं बाकी गेम फुटबॉल क्रिकेट इनको डिग्रेड नहीं कर रहा वो भी एक आर्ट है वो भी एक गेम्स है तो उसके अंदर भी पेरेंट्स को अगर उस तरफ भी लेके जा रहे हैं तो दे शुड नो कि वो किसी क्लब का हिस्सा है या वैसे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं मतलब खेल रहे हैं बिकॉज जो बच्चा सीखता है वो एनवायरमेंट से सीखता है तो कराटे का जो डोजो एरिया होता है वो एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जहाँ बच्चा सिर्फ पॉजिटिव सीखता है उसको किसी दूसरे बच्चे से फजूल बात करने का टाइम ही नहीं मिलता वो सिर्फ लर्न करता है बिकॉज आप खुद सोचें कि आपका बच्चा स्कूल से घर पहुंचा घर के बाद एक ये आपने फिजिकली एक्टिविटी करा दी उसको बिकॉज स्कूल से घर पहुंचा और उसके बाद आपने उसको ये फिजिकल एक्टिविटी करवा दी उसके बाद वो घर जाएगा थोड़ा काम किया सो गया और ये उसकी लाइफ में इसका टाइम गुजरेगा वीकेंड में उसको आप कहीं मतलब आउटिंग पे ले जाएं पार्क ले जाएं कुछ कर लें तो एक उसका पॉजिटिव वे स्टार्ट होगा लाइफ का और वही पॉजिटिव वे एक फैमिली बनाएगा बिकॉज एक जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छा एजुकेटेड मैन एक अच्छा टीचर बहुत से एजुकेटेड मैन बनाता है बहुत से डॉक्टर बहुत से इंजीनियर बनाता है एक अच्छा कराटे वाला बंदा और वो फैमिली का बंदा हो तो एक फैमिली को डेवलप करता है यानी उसके अपने बच्चों के बारे में ऐसे सोचेगा कि नहीं मैंने इसको अपने जैसा बनाना है ऊपर लेके आना है तो एक वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा बिकॉज आस्ता 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 पूरी चेन पूरी ट्री बन जाएगा तो जरूर अपने बच्चों को एक पॉजिटिव साइड पे इन्वॉल्व करें और अगर किसी को भी मेरे इस इंटरव्यू से एक ज़ाती दुख हुआ लाइक कराटे के वाले से जो लोग हैं तो मैं माजरत कर रहा हूँ मैं सॉरी कर रहा हूँ मुझे इसको गलत मत समझिएगा इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका फायदा है आप लोगों का फायदा है हम सबका फायदा है और जो लोग अगर किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो फौरन किसी सिस्टम का हिस्सा बन गए बिकॉज सिस्टम बन रहे हैं उनको एजुकेट करते हैं उनकी ग्रोथ करते हैं मेंटली फिजिकली ग्रोथ भी करते हैं लाइक टेक्निक्स प्रॉपर टेक्निक्स सही करने के अलावा बिकॉज किसी से आप एक चीज भी किसी से अगर आप थोड़ा सा भी सीखते हो अच्छा सीखते हो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है और जब आप सिस्टम पे ऐसा बनेंगे तो सिस्टम आपको डेवलप करेगा इवन एजुकेशन में अगर थोड़ा सा वीक है तो आपको एजुकेट भी करेगा और बताएगा यार आप प्राइवेटली कौन कौन सी चीजें पढ़े तो आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग अवर चैनल SKIF पाकिस्तान एंड अपने आप को अपने बच्चों को फिट बनाएं बिकॉज हम सब मिल के हम सब खुद फिट होंगे तो हम एक बनाएंगे फिट पाकिस्तान थैंक यू